हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी चल रहा है और बप्पा को भोग में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मोदक। तो चलिए आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल मोदक, उकड़ीचे मोदक, जिसे स्टीम्ड मोदक भी कहते हैं। ये चावल के आटे से बनती है और इसके अंदर हम नारियल और गुड़ की फिलिंग डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं उकड़ीचे मोदक। स्टीम्ड मोदक बनाने के लिए हमारी सारी सामग्रियां रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें मेजरमेंट का बस ध्यान रखना है। मैंने इस कप से 2.5 कप चावल का आटा लिया है। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ाया है जिसमें सेम कप से मैं 3 कप पानी डालूंगी, 1 चम्मच घी डाला है और 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। और अब इस पानी में हम उबाल आने देंगे। जब अच्छे से पानी बॉईल होने लगे उसमें हम चावल का आटा मिक्स करेंगे। इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना आए और ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आटा हमारा। इसे खूब अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमें मिलाना है स्पैटुला की मदद से। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो इसे अब हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और जब तक ये ठंडा होगा चलिए इसकी हम फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने पैन गर्म होने के लिए रखा था, उस पर 1 चम्मच घी डाला है, कटे हुए हमने काजू और बादाम डाले हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद इसमें हम फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें, क्योंकि नारियल पाउडर में बहुत जल्दी स्मेल आ जाता है। देखिए नारियल को हमने घी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। गुड़ को हमें इसमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये मेल्ट होके अच्छी तरह से एक सार ना हो जाए। देखिए धीरे धीरे गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हम 3-4 हरी इलायची मैंने कूट के डाल दिया है। धीरे धीरे गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है और मेल्ट होने के बाद इसे हम फ्राई करते रहेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारा फिलिंग रेडी हो जाएगा। हम गैस को बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होगी तब तक चलिए हमारा जो चावल के आटे का डो है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अभी रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो गया है। अब इसे हम तरह नरम होने तक गूंदेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे तब तक गूंदिए जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह से इसे नरम होने तक हमें गूंदना है। हल्का पानी आप बीच बीच में ले सकते हैं इसे गूंदने के लिए। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। इतना सॉफ्ट डो रेडी हुआ है। चलिए इसके मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने एक मोदक मोल्ड लिया है। इस मोल्ड में अब मैं घी लगाऊंगी ताकि मोदक इसमें चिपके नहीं। घी लगाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे और नीचे की तरफ से इसमें हम चावल के आटे का डो डालेंगे और इसका एक लेयर उसमें बनाएंगे। आउटर लेयर आप पतला ही बनाएं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग अंदर जा सके। देखिए इस तरह से हमने इसका लेयर आउटर लेयर प्रिपेयर किया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे हमारे कोकोनट की। उसके बाद हम इसे सील कर देंगे। इस तरह से हमने इसे बाहर से भी सील कर दिया है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका मोदक इस तरह से बाहर निकल के तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी काम बचा हुआ है। पहले हम सारे मोदक को मोल्ड में बना लेंगे। अब इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह से आप कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख के एक छन्नी को इस पे रख दीजिए। इस पे घी को ब्रश करिए ताकि ये मोदक चिपके नहीं और जितने मोदक आ सकते हैं उतने डालकर इसे ढक दीजिए। अब इसे हम 15 मिनट के लिए भाप से पकने देंगे।
15 मिनट बाद देखिए हमारा मोदक रेडी हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे, मोदक आपका एकदम रेडी है। आप इसे गणपति भगवान को भोग लगा सकते हैं और बच्चों को खिलाइए, बहुत यम्मी होता है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जब पापा को पसंद है तो बच्चों को भी पसंद आएगा। और ये रेसिपी ट्राई करिए, और ड्रिल तो आपको पता ही है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सारी सामग्रियों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।